दिल्ली के सोनिया विहार और गोंडा गुजरान इलाके में प्रस्तावित लैंडफिल साइट का विरोध जोर पकड़ता दिख रहा है। बुधवार को कपिल मिश्रा ने अपनी खून से उपराज्यपाल अनिल बैजल व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा। आम आदमी पार्टी से बर्खास्त हुए मंत्री ने अपने खत में लिखा कि किसी भी कीमत पर यमुना की ग्रीन बेल्ट पर लैंडफिल साइट को नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए खून की एक एक बूंद की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती दी कि यदि NGT कोर्ट में सुनवाई से राहत नहीं मिलती तो वो आने वाले शनिवार से आमरण अनशन करेंगे। अपनी याचिका में कपिल मिश्रा ने कहा, यमुना नदी वैसे ही प्रदूषित है, लैंडफिल के बाद यह और ज्यादा प्रदूषित हो जाएगी। इसके साथ ही आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए लैंडफिल का फैसला रद्द किया जाए। कपिल मिश्रा ने स्पष्टीकरण किया कि अगर उनके खून से इलाके की 20 लाख की जनता की जान की रक्षा होती है तो वो ऐसा करने को तैयार है। राशि शर्मा की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।